जनता की आवाज के साथ में वो मैच करके और वो गीत गाती थी। वो परंपरा चली आई और वो धुने जो है वो लोकगीत, लोकगीत में वो अभी भी है और आगे भी रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी, ये उसकी विशेषता है। भोजपुरी लोकगीतों में लोक गायन की परंपरा यही रही है कि गुरु शिष्य की परंपरा है ये, और इसमें ज्यादातर लोग अपने गुरु से जो सीखते हैं उसी को फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर उनके जो भी चाहने वाले हैं उनको सुन के जिनको अच्छा लगता है या वो भी वैसा बनना चाहते हैं तो फिर वो लोग भी उसको आगे बढ़ाते हैं, उसी विधा को, उसी परंपरा को, चाहे भोजपुरी बिरहा हो, कजरी हो, चैता हो, ठुमरी हो, अलग अलग विधाएं हैं और उसको वो आगे बढ़ाते हैं, ये परंपरा है। भोजपुरी लोकगीतों की विषय वस्तु क्या होती है, विषय वस्तु ज़्यादातर जो है वो हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे परिवार में जो घटनाक्रम होता है, जो परिस्थितियाँ होती है उसको ही बयां करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो भोजपुरी क्षेत्र के लोग हैं वो ज़्यादातर पहले बाहर कमाने जाते थे, कोई कलकत्ता जाता था, कोई मुंबई जाता था, कोई बाहर चला जाता था, तो उस विरह वेदना को भी व्यक्त करने के लिए जो औरतें हैं वो अपने मन के भाव को प्रकट करती थी, गाती थी, ये ज़्यादातर इस तरह के विषय वस्तु होते थे। या अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो माँ की आराधना से, माँ की वंदना से, जैसे कोई भी काम होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब पूजा पाठ होता है तो उसमें सबसे पहले गणेश भगवान की वंदना की जाती है, और हमारे भोजपुरी में कोई भी काम होता है तो सबसे पहले निरिया की दाढ़, मैया नावे भी झलुआ हो कि झोली झूली, कुछ भी हो, पूजा हो, पाठ हो, वहीं से शुरुआत करते हैं, तो ये रहता है। भोजपुरी लोकगीतों को भविष्य में किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, भोजपुरी लोकगीत इतनी समृद्ध है और इतना ये मधुर है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पूरे विश्व पटल पे इसको जो है गाया जाएगा, इसको सुना जाएगा। उसका कारण ये है कि इसकी मधुरता है, इसकी धुनें बहुत प्यारी है, बहुत आकर्षक है। उसका एक सीधा साधा उदाहरण आपको बताता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा ना मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा है और ना ही मैंने गायन का कोई बहुत ज़्यादा शिक्षा ली है, पर गाँव में जो हमारी माताएं बहनें गाती हैं तो इस पे जो मैंने गाना गाया था कि कुचुर कुचुर आंख करे बार भयल झउआ बलम हो ले अवता तेल गमा कौआ, तो इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ इस धुन की मधुरता थी, आकर्षण था कि ऑस्ट्रेलिया में भी उसके लोग सुने, अमेरिका में भी सुने, जिनको नहीं समझ में आ रहा था कि ये गाना का मीनिंग क्या है वो भी सुन के और उसको झूम रहे थे। ये भोजपुरी का उद्देश्य, भोजपुरी लोकगीत का दूरगामी परिणाम क्या होगा, अपने शब्दों में स्पष्ट की दूरगामी परिणाम यही है कि इसको जो लोग भी गा रहे हैं, जो लोग भी इसको सीख रहे हैं, आगे सीखेंगे, वो इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और ये बहुत ही समृद्ध परंपरा है भोजपुरी की। भोजपुरी में पूर्वी से लेके, विदेशिया से लेके, और बहुत सारी ऐसी धुनें हैं, बहुत सारी ऐसी विधा है जो भोजपुरी को बहुत ही आगे लेके जाएगी। भोजपुरी लोकगीतों के प्रमुख कलाकार में भरत शर्मा जी, शारदा सिन्हा जी, मुन्ना सिंह जी, ये जो लोकगीत के गायक हुए बिहार में, यूपी में भी बहुत बालेश्वर जी हुए, अभी हमारे विजयलाल यादव जी हैं, ओम प्रकाश यादव जी हैं, छन्नूलाल मिश्रा जी जो रामायण और
चौपाई उपाई को भी बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया।